हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर तैयार हो जाइए मेरे चैनल पर सुरेंद्र शेफ। आज आप लोगों के सामने बनाने जा रहे हैं मटन करी। मटन करी बनाने के लिए एक सॉस पैन लेना। सॉस पैन में 2 चम्मच तेल डालना है और 2 चम्मच कटा हुआ लहसुन डालना। लहसुन को अच्छे से ब्राउन कर लेना है, खूब अच्छे से ब्राउन करना है, बिल्कुल जब तक ये ब्राउन ना हो जाए गोल्डन कलर का। अभी ये गोल्डन कलर का हो गया, इसमें एक डब्बू पानी डालते हैं। फिर आधा टीस्पून नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून धनिया पाउडर डालते हैं, आधा टीस्पून के आसपास येलो चिल्ली डालते हैं, चिल्ली पाउडर डालते हैं, आधा टीस्पून के आसपास हम डालते हैं मीट मसाला, और आधा टीस्पून के आसपास डालते हैं गरम मसाला। गरम मसाला और ये डालते हैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला जो जावित्री और इलायची से बनता है, और आधा डब्बू के आसपास मीट डालते हैं वाइट ग्रेवी। वाइट ग्रेवी काजू और मगज से बनती है। ये है मटन का स्टॉक, जिसमें हम पहले मटन पका रखे हैं। ये मटन का स्टॉक होता है, ये डालते हैं 2 डब्बू भर के अच्छे से। और ये है मटन का पीस। अब मटन का पीस 4 पीस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ फुल प्लेट जाता है, फुल प्लेट में 4 पीस होता है। अब इसको अच्छे से हम डुबो देते हैं इस ग्रेवी में, और ग्रेवी में डुबोने के बाद खूब अच्छे से आप देख रहे हैं इसी तरीके से। देखिए, अब पहली बात ये कि आप वीडियो कहीं पर मिस मत करिए, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं कि कम है या कुछ ऐसा है, मैं उसमें मिक्स करता रहता हूँ। उसको अच्छे से ढक देना है बिल्कुल स्लो आँच पर, और धीरे धीरे पकने देना है। कम से कम 5 मिनट का टाइम देना होता है। अब ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छे से जो पीस था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। क्रीम, और फिर क्रीम डालने के बाद मिला के बिल्कुल ये तैयार हो गया है। इसको बनाने में टोटल प्रोसेस लगता है कम से कम 10 से 12 मिनट, लेकिन हम इसको कट कट करके वीडियो बनाए हैं तो ये बन गया है। अब ये रेस्टोरेंट में सर्व होने के लिए तैयार, बिल्कुल गार्निश हो गई है, अच्छे से तैयार है। बस आपको क्या करना है, बस फटाफट खाने की देरी है, आप आ जाइए फटाफट खाइए। तो गाइज़, थैंक यू।